Well, so what's up guys, I'm Priyadan Harsh, back again. Like a Hellcat. So, hi guys and welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं Priyadan Harsh. So guys, आज की वीडियो के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट की Amazon से बाय करा था. ये मुझे मिल चुका है Amazon से, तो मैं आज इसका रिव्यू करूंगा और मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है. तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसको दबा दें, ताकि बगल के बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आप भी देख सकते हो, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन. सो गाइस, हमें सबसे पहले कुछ इस टाइप का ही बॉक्स मिलता है, और इसको अब मैं खोल के दिखाता हूँ आपको. तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, इसके अंदर मैंने एक ये एयर कंप्रेसर मंगाया है, आप लोग जैसे कि देख सकते हो. और मैं आपको इसका पूरा रिव्यू करूँगा कि ये कैसा है, हमारे बाइक साइकिल में हवा बढ़ता भी है या नहीं. तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा मेन एयर कंप्रेसर का बॉक्स है. तो इसके ऊपर आप देख सकते हो, जैसे कि ये लिख रहा है एयर कंप्रेसर DC 12 वोल्ट, ये कुछ इस टाइप का हमारा एयर कंप्रेसर है. और ये साइकिल में हवा भर देता है, और ये स्विमिंग पूल में, फुटबॉल में और कार के टायर में, ठीक है. इधर भी ये सेम लिख रहा है, और बहुत बुरी खबर है कि ये मेड इन चाइना है, पर कोई बात नहीं. और चलो, तो अभी मैं इसको आपको खोल कर दिखा देता हूँ. तो ये हमारा मेन कंप्रेसर है. तो इसके अंदर हमें कुछ ये कनेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये कनेक्टर्स कुछ हवा बॉल में भरने के लिए और बाइक और साइकिल में भरने के लिए. तो इनको मैं साइड में रख देता हूँ. तो अब हम अपने मेन कंप्रेसर को निकालते हैं. अब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो, खाली है. तो मैं इसको साइड में फेंक देता हूँ. तो ये मेन हमारा एयर कंप्रेसर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. और ये जो इसके पीछे है, ये इसका ये लाइटर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. मतलब आपको अगर एक कार में बनना हो तो मेन बस आपको जस्ट इसको कार में लगा देना है, जो पोर्ट होता है उसके अंदर, और फिर ये यूज़ करने के लिए तैयार है. एक हमें यहाँ पर ये PSI मीटर दिया हुआ है, जो कि आपकी हवा को बताएगा कि आपके बाइक में कितनी हवा है. और ये एक हमें ये जो मेन, ये तो हमारा है ही पोर्ट, तो हम इसको यहीं लगा देते हैं. और जो ये है इसकी मेन, जो जिससे हम हवा भरेंगे, प्रेशर वो एयर पाइप, देख सकते हो काफ़ी बेस्ट है ये. और ये इसका होल है, ये करीब बाइक के जितना होल है, जो बाइक में लगता है वही है. और इसको हमें यहाँ से 12 वोल्ट DC सप्लाई देनी है. और इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा. तो चलो अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ. सो गाइस, अपना ये एयर कंप्रेसर ये रहा, और आप लोग देख सकते हो इसके अंदर का हाल क्या है, देख सकते हो. ये इसमें ये पुली लग रहा है, ये मोटर है, ये मैंने तोड़ के देखा था, और ये कुछ इस टाइप से वर्क करता है, आप लोग देख ही सकते हो इसके अंदर का. और इसका मैंने जो लाइटर था, ये जो सिगरेट लाइटर की तरफ बाय लग रही थी, वो मैंने काट दी. उसको काटने के बाद ये मेरा बैटरी से अब डायरेक्ट लग जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये 12 वोल्ट की बैटरी में 2 तार लग जाएंगे. तो चलो अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ. सबसे पहले मैं इसके तार लगा कर दिखाता हूँ आपको. तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो साइड पैनल है बाइक के, जहाँ पे आपकी बैटरी लगी रहती है, आपको इसको ओपन कर लेना है कुछ इस टाइप से. आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ये मैंने ओपन कर लिया है. सो ये मेरी बैटरी है, आप लोग देख सकते हो, मैंने इसमें बड़ी बैटरी लगा रखी है. तो अब मैं आपको जो 2 तार थे उसके कंप्रेसर के, उनको आपको इससे जो डायरेक्ट ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों पे आपको इसको लगा देना है. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने लगाया, आपको आवाज़ सुनाई आ रही होगी. तो चलो अब मैं आपको इससे हवा भरकर दिखाता हूँ कि इससे हवा बढ़ती भी है या नहीं बढ़ती. मैं अब, ये मेरी बाइक का टायर है, तो मैं सबसे पहले इसकी हवा निकाल लेता हूँ. आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी कंप्रेसर नहीं चलाया, तो मैं इसकी हवा निकाल देता हूँ. अगर मैं इसको जैसे ही बंद करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो इसमें हल्की सी हवा बढ़ गई. तो मैं इसकी पूरी हवा निकाल लेता हूँ, जिससे आपको साफ पता पड़ जाएगी. और मैंने कहीं से भी वीडियो को कट नहीं करा, तो मैं इसकी पूरी हवा निकाल लेता हूँ.
अब मैंने इसकी हवा निकाल ली है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके कंप्रेसर के तार है ना, पहले मैं सबसे पहले कंप्रेसर के तार बैटरी में लगा देता हूँ। तो गाइस अब मैंने कंप्रेसर ही ऑन कर दिया, मैं आपको जैसे कि इसकी उंगली पर रख के दिखाता हूँ, मैं आपको ये चल गया है देखो, मैं जैसे इसकी। तो अब मैं इसको इसमें लगा देता हूँ, ये मैंने थोड़ी देर तक चला के रखा पर कुछ इसका फ़ायदा ही नहीं पड़ रहा, और जो इसमें हवा डाली थी वो भी इसमें से निकल गई है, देख सकते हो आप, थोड़ी बहुत ही हवा भरी है बस इसमें, ज़्यादा नहीं भरी। तो इसका वैसे कुछ मुझे तो काफ़ी बेकार लगा, एक नंबर का बकवास से फेंक है, कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है लेने से आपको, जैसे कि देख सकते हो मैंने ये करीब करीब एक दो मिनट चला के रखा पर इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं भरी है, आप लोग देख सकते हो। जैसे कि इसको लगा देता हूँ इसकी ये जो है, और इसमें आप लोग देख सकते हो इसके मीटर में कुछ भी सुई ऊपर तक नहीं हुई, आप लोग देख सकते हो। और बकवास है, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, बेफालतू में टायर की हवा और कम करवा दी इसने, कोई बात नहीं, वो मैं पंप से डाल दूंगा इसमें, और बेकार है, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये कंप्रेसर ही कंप्रेसर लिख रहा है इस पर, आप देख सकते हो एयर कंप्रेसर कंप्रेसर एयर कंप्रेसर कंप्रेसर, काफ़ी बेकार है, मुझे तो कुछ बढ़िया नहीं लगा। हाँ अगर आपको ये आप अगर इसको ख़रीदना चाहते हो, आपको अगर पैसे अपने वेस्ट करने तो आप इसमें डालकर इसको ले सकते हो, वरना मेरी तो सलाह यही होगी कि आप इसको मत लेना। सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बगल के बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए या फिर आप और भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, तो मैं मिलूँगा आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय फ्रेंड्स।